फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। आई होप यू आर फाइन। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपने मम्मी के साथ पुलाव बनाने की रेसिपी सीख रही हूँ, तो मैं आपको भी शेयर करूँगी। आप मेरे व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। तो इस पुलाव को मैं अपने स्कूल में लंच करने के लिए ले जाऊँगी। अभी तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट में खाऊँगी ओट्स। देखते हैं पुलाव की रेसिपी पर क्या क्या पड़ता है। ये सबसे मेन चीज़ है राइस है, जो 2 कप हमने राइस ले लिया, आप देख सकते हैं। तो ये हम लोग ले रहे हैं गर्म मसाले। तो हमें 4-5 तेज़पत्ते ले जा रहे हैं, और ये है बड़ी इलायची, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने इनका मुँह खोल लिया इस टाइप का। और ये है 2 छोटी इलायची, आप देख सकते हैं ये। और ये है, और ये है दालचीनी, और ये है 8-10 लौंग। तो हमें चाहिए, और ये है हमारा जिंजर जो हम लोगों ने काट के रखा है, अभी मम्मी ने कट दिया। और ये हमारा है कैरेट, और हमें ले लेनी है जितना आपको नमक को करता है। तो आपको सॉल्ट ले लेना है। और मैंने मम्मी से कहा, मम्मा आप प्लीज़ इसमें न्यूट्रेला डाल देना। तो मम्मी कहती है हाँ, मुझे क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और ये है, आप देख सकते हैं पीस, ये देखिए। तो अब रख दिया हम लोगों ने यहाँ पर कुकर। तो अब बनाने से स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने 2 कप चावल को साफ करके धो दिया है साफ वाटर से। तो हम लोगों ने कुकर लगा दिया था, तो अब इसमें डालते हैं सबसे पहले। तो अब डालती हूँ इसमें मैं घी। चले डालते हैं। तो डाल दिए हम लोगों ने, तो अभी ये घी हो जाएगा मेल्ट। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे जीरा। तो हमारा पूरा घी मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है जीरा। तो जीरे के बाद मैं इसमें सब जो खड़े मसाले थे इसमें फ्राई करूँगी। जीरा ब्राउन होने लग गया है, तो ये समझ लो हो चुका है पूरा पक्का। और ये लोन डाली डालती। तो अब इसमें मैंने सब मसाले भून लिए, देख सकते हैं आप। उतना स्वादिष्ट बनने वाला है अब तो। तो अब इस मसाले सब भून चुके हैं, मैंने चम्मच से हिला लिया है एक बार। तो अब इसमें डालती हूँ मैं पीस, आप देख सकते हैं। हाँ, अब इसके बाद इसमें डालेंगे जिंजर और कैरेट, फिर राइस डालेंगे, फिर सॉल्ट। तो अब इसमें मैं न्यूट्रा भी डालती हूँ उनके साथ। मैं इसको भी फ्राई करती हूँ लग रही। आई लाइक इट, दैट्स व्हाई आई एम कुकिंग इट, देख सकते हैं आप लोग। फिर मैं कैरेट डाल लेती हूँ जो हमने काट दिया था। अब इन्हें कर देती हूँ मस्त फ्राई। उसके बाद आएंगे हम लोग जिंजर, उसके बाद हमारी राइस डालेगी, फिर हम लोग सॉल्ट डालेंगे। आप सब चीज़ें फ्राई हो गई हैं, तो इसमें डालती हूँ मैं राइस। चलो इसे डालते हैं। तो मम्मी बना रही थी, तो मम्मी से एक दिन पहले भी देखा, तो मम्मी से कहा मम्मी आज सब सामान रख दो, मैं इसे ट्राई करती हूँ आज। तो आज मैं ट्राई करती हूँ इसे बनाना। तो देखती हूँ मेरे हाथ से आज पुलाव कैसा होता है, तो आपको भी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो देखते हैं। तो अब मैं राइस को इसमें फ्राई कर देती हूँ। इसमें मसाले सारे मैं डाल रही हूँ, क्योंकि वैसी पुलाव ले जाने वाली हूँ स्कूल को, आप देख सकते। तो उसमें बनाएंगे हम चटनी। तो इसमें बनेगा बस खाली नमक, और चटनी के साथ तो पुलाव का अलग ही स्वाद लगता, सही लगता है। वो देने वाली ग्रीन चटनी बनेगी, इतनी टेस्टी, मुझे बहुत पसंद है, आप देख सकते। तो हम लोगों ने कर दिया इसे। तो अब इसमें फ्राई हो चुका है हमारी राइस भी, तो देख सकते हैं। तो इसमें 2 कप राइस डाल दो, तो इसमें बनेगा 3 ग्लास वाटर। तभी डालते हैं इसमें भी, इसे थोड़ा फ्राई होने दें। तो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, और इसमें पानी भरेगा 3 ग्लास, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं पानी भर से रखे, और उसमें डालते हैं 1 ग्लास हो चुका है, 2 ग्लास, एंड लास्ट वन 3 ग्लास। तो आप देख सकते हैं, अब हम इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट, आप देख सकते हैं। अब इसे घुमाते हैं,
मतलब उसे सीटी लगाते हैं, दो दो सीटें आएंगी तो हमारा फिर पुलाव रेडी। मैंने कुकर का ढक्कन, तो इसे दो सीटी आएंगी फिर हमारा पुलाव रेडी। ये रेडी है मेरा पुलाव बनके, तो आप देख सकते हो अच्छे से पक चुका है मेरा पुलाव। आई लाइक इट, और ये चिपका भी नहीं है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरा पुलाव इसलिए कह रही हूँ कि आज मैंने बनाया है पुलाव, तो अभी मैं मम्मी को टेस्ट कराती हूँ। बहुत अच्छा पुलाव बनाया, जैसे मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी अच्छा बनाया पुलाव। और ये हमारी पुदीने वाली चटनी, तो अब मम्मी ने बना दिया तो उसमें डालते हैं और खाते हैं, मज़ा लेते हैं। आप भी बनाइए जब आपको कहीं जल्दी जाना, तो आप भी आ जाए मेरे साथ टेस्ट करने के लिए पुलाव। तो अब मिलते हैं आपसे बाय बाय अगले व्लॉग में। तो ये है पुलाव की रेसिपी, आप भी बना सकते हैं।